किसी शायर की गजल ड्रीमगर्ल, किसी झील का कवल ड्रीमगर्ल। नीचे आ जाओ बेटी, ऊपर आ जाओ मोटी। वो हंसी तो हिंदुस्तान का चेहरा भी खिल उठा। किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल ड्रीम गर्ल। वो रोई तो जमाने की आंखें भी छलक आई। जिसकी हर अदा ने करोड़ों दिलों पर छुरियां चला दी। जिसकी ख्वाहिश में न जाने कितनों के अरमान खून की स्याही में लिपट कर अल्फाज बन गए। क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर। जिसके हुस्न ने उस दौर की हर अदाकारा को जलन की आग में झोंक दिया। बड़ी सुंदर दिखती, जिसे पाने की खातिर फिल्मी दुनिया के तीन बड़े सितारों में तकरार शुरू हुई। अच्छा लगता है। कभी सीता में, कभी गीता में, सीता नहीं गीता है, कभी बसंती तो कभी रेशमा में। तेरे चेहरे में वो जादू है बिन डो। करोड़ों दिलों में मोहब्बत बनकर धड़की देश की ड्रीम गर्ल। होता है और कहीं तेरी ओर चला। आज देखिए हेमा मालिनी के दीवानों के अनसुने किस्से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। हेमा मालिनी जो पर्दे पर पहली बार दिखी और सारा जमाना उनका दीवाना हो गया। वो फिल्म में आई तो सितारों में जंग शुरू हो गई, जो सड़क पर दिखी तो दीवानों की भीड़ जुट गई। कभी खून से खत लिखे गए तो कभी तस्वीरों से शादी की रस्में निभाई गई। आज हम आपको हेमा मालिनी की दीवानगी के कुछ ऐसे ही किस्से दिखाने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं फिल्मी दुनिया के उन तीन सितारों से जिनमें हेमा की खातिर एक तकरार शुरू हुई थी। इस कहानी के पहले किरदार थे संजीव कुमार। संजीव कुमार हिंदी फिल्मों के सबसे संजीदा कलाकार। हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चल। यूं तो संजीव कुमार का नाम कई फिल्मी हसीनाओं से जुड़ा। फिर वो सुलक्षणा पंडित हो या नूतन, लेकिन ये सवाल बार बार उठे कि संजीव कुमार ने आखिर शादी क्यों नहीं की। पैसा था, नाम था, स्टारडम था, फिर भी संजीव कुमार की जिंदगी अधूरी ही क्यों रही। जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। शायद दिल में जिस हमसफर की जगह थी वो हेमा मालिनी के इंतजार में ही रह गई। मेरा दिल तोड़ जाते हो। कहा जाता है कि फिल्म सीता और गीता के बाद संजीव कुमार हेमा मालिनी के इतने दीवाने हो गए कि धीरे धीरे वो दीवानगी जुनून तक बन गई। बरसों तक ये रिश्ता इजहार और इकरार के बीच। सुपरस्टार संजीव कुमार ने अपनी शादी की बात करने के लिए अपनी माँ को हेमा के परिवार के पास भेज दिया। ये वो वक्त था जब हेमा का परिवार उनके और धर्मेंद्र के रिश्तों को लेकर दबाव में था। हेमा की मां जया चक्रवर्ती ने हेमा की छोटी उम्र का हवाला देकर इस रिश्ते से इनकार कर दिया। हालांकि संजीव कुमार ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने दोस्त जितेंद्र को हेमा से बात करने के लिए भेजा। माना जाता है कि दोस्ती का फर्ज निभाने के लिए खुद जितेंद्र ने भी इस रिश्ते को सजाने की कोशिश की, लेकिन हेमा राजी नहीं हुई। तेरी शादी पे दूं तुझको तोहफा मैं क्या पेश करता हूँ, दिल एक टूटा हुआ। कहते हैं हेमा के उस इनकार ने संजीव कुमार को तोड़ कर रख दिया।
उस दौर की फिल्मी मैगजीन्स में छपी खबरों के मुताबिक संजीव कुमार ने हेमा के इंतजार में खुद को कुमारा ही रखा। जो दिल हेमा मालिनी के नाम पर धड़कता था, उस दिल में किसी दूसरे के लिए कोई जगह थी ही नहीं। संजीव कुमार ने हेमा तक अपने दिल की बात पहुंचाने के लिए जितेंद्र का सहारा लिया। जितेंद्र ने हेमा से वो बातें कही भी, लेकिन वो अल्फाज बेशक संजीव कुमार के थे, लेकिन असली जज्बात खुद जितेंद्र के थे। जाने चमन, जाने जाने। जिस वक्त हेमा और संजीव कुमार की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हुई, उस वक्त हेमा मालिनी जितेंद्र के साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। दोनों के बीच बातचीत के सिलसिले शुरू हुए। ये बातचीत दोस्ती में बदली और फिर जो धीरे धीरे इश्क की दहलीज तक पहुंच गई। मौका देखकर जितेंद्र ने हेमा से अपने प्यार का इजहार किया और हेमा सोचने पर मजबूर हो गई, क्योंकि इस कहानी में एक बड़ा पींच भी था, धर्मेंद्र। धर्मेंद्र से अपने रिश्ते को लेकर हेमा काफी परेशान थी। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि शादीशुदा धर्मेंद्र से उनके रिश्तों का अंजाम क्या होगा। हेमा जितेंद्र को ना इनकार कर पाई और ना ही उनसे इकरार कर पाई। हेमा मालिनी की जीवनी हेमा मालिनी द ऑथराइज्ड बायोग्राफी के मुताबिक 1974 में दुल्हन फिल्म की शूटिंग के दौरान हेमा और जितेंद्र के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। जैसे ही फिल्म की शूटिंग खत्म होने का वक्त आया, जितेंद्र अपने माता पिता को लेकर चेन्नई में हेमा के घर पहुंच गए। जितेंद्र चाहते थे कि दोनों परिवार एक साथ बैठकर शादी की बात कर सके। इधर हेमा धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्तों में उलझी थी, तो उधर जितेंद्र का अफेयर अपनी मौजूदा पत्नी शोभा सिप्पी के साथ जारी था। लेकिन जितेंद्र ठान चुके थे कि वो हेमा की खातिर शोभा का प्यार ठुकरा देंगे। उस दौर की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला गंभीर होता देखकर हेमा की मां जया चक्रवर्ती ने धर्मेंद्र को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। धर्मेंद्र शादीशुदा है, इसलिए हेमा की मां को इस रिश्ते की गुंजाइश कम ही लगी, लिहाजा उनकी पहली मुसीबत जितेंद्र थे। उन्होंने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए ताकि जितेंद्र हेमा मालिनी से ना मिल सके। उधर जितेंद्र को इस बात की कोई भनक नहीं थी। जितेंद्र ने मुहूर्त निकालकर हेमा के साथ शादी का दिन और तारीख तय कर ली। ये खबर धर्मेंद्र तक पहुंची तो दो बड़े सितारों के बीच एक जंग शुरू हो गई। धर्मेंद्र किसी भी कीमत पर इस शादी को रोकना चाहते थे। मद्रास के जिस होटल में जितेंद्र और हेमा साथ फेरे लेने वाले थे, ठीक उसी वक्त धर्मेंद्र शोभा सिप्पी को लेकर वहां पहुंच गए। फिर तो ऐसा बखेड़ा हुआ कि शादी का मंडप ही उजड़ गया। बाद में जितेंद्र को शोभा सिप्पी से शादी करनी पड़ी, लेकिन एक कहानी खत्म हुई तो एक नई कहानी शुरू हो गई। किसी शायर की गजल, किसी झील का कवल, किसी शायर की गजल, किसी झील का कवल। आप देख रहे हैं कहानी हेमा मालिनी की। हेमा ने संजीव कुमार के प्यार को ठुकराया तो जितेंद्र की प्रेम कहानी शुरू हुई, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी कहानी को अंजाम तक पहुंचाती, जितेंद्र की राह में धर्मेंद्र एक रोड़ा बन गए। जितेंद्र
जिस हसीना का सारा जमाना दीवाना था वो धर्मेंद्र की ड्रीम गर्ल बनी। लेकिन जो कहानी अपने मुकाम तक पहुंची उसकी शुरुआत कई उलझनों के साथ हुई थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात अहमद अब्बास की फिल्म आसमान महल के प्रीमियर पर हुई थी। हेमा फिल्मी दुनिया में नई थी और धर्मेंद्र हेमा को एक नजर देखते ही उन्हें अपना दिल दे बैठे। अरे वही तो है, प्यार के इस खेल में दो दिलों के मेल में। धीरे धीरे मुलाकातों का दौर शुरू हुआ और कुछ ही वक्त में धर्मेंद्र हेमा के परिवार से इतना घुल मिल गए कि हेमा के परिवार वाले उन्हें अक्सर डिनर पर बुलाने लगे। इसी बीच हेमा और धर्मेंद्र ने एक साथ चार फिल्में साइन की। लेकिन इस कहानी में असली मोड़ आया शोले फिल्म की शूटिंग के दौरान। कहा जाता है कि इस वक्त तक धर्मेंद्र हेमा के इतने दीवाने हो चुके थे कि फिल्म के स्टाफ को रीटेक के लिए घूस दिया करते थे ताकि उन्हें बार बार हेमा के साथ वो सीन शूट करने पड़े। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। हेमा और धर्मेंद्र की जोड़ी पर्दे पर छा गई और धीरे धीरे ये दोनों सितारे एक दूसरे के करीब आ गए। हेमा और धर्मेंद्र के रिश्तों की खबर सुर्खियां बनी और इन खबरों के बाद हेमा के घर में जैसे भूचाल सा आ गया। हेमा की माँ इस रिश्ते के खिलाफ थी। एक तो धर्मेंद्र पंजाबी थे और दूसरा शादीशुदा भी। घर की तमाम बंदिशों के बीच हेमा और धर्मेंद्र की चोरी छिपे मुलाकातें होती रहीं। हेमा को लगता था कि प्यार की तमाम कस्मों के बावजूद धर्मेंद्र उनसे शादी नहीं करेंगे। लेकिन धर्मेंद्र पर तो जैसे जुनून सवार था। वो हर रिश्ते नाते को दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। लेकिन हेमा के परिवार को अब भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था। हेमा का परिवार ही क्यों और धर्मेंद्र की पहली पत्नी को भी ये रिश्ता किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। हिंदू होने के कारण धर्मेंद्र हेमा से शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। और कहते हैं कि धर्मेंद्र की दूसरी शादी दिलावर खान नाम से हुई। फिल्म इंडस्ट्री के दो सुपरस्टार की शादी बेहद सादे अंदाज में हुई। इस शादी में ना कोई बारात थी ना कोई बैंड बाजा। किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल।